देखना होता कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको ये नहीं देखना होता कि हम लोग गरीब हैं, आपको ये नहीं देखना होता कि हमें कोई बुलाता नहीं है, आपको ये नहीं देखना होता कि हमारे साथ सलाम कोई नहीं लेता, आपको ये नहीं देखना होता कि हमारा घर भी परमानेंट है कि नहीं है। आपको एक चीज नजर आ रही होती है, आपका ख्वाब नजर आ रहा होता है, आपको दवाई नजर आ रही होती है, आपको किताबें नजर आ रही होती है, वो ग्रेड और स्कोर नजर आ रहा होता है जो आपने करना होता है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। और जिन लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती उनको दुनिया में हर फसाद नजर आता है, हर बहाना नजर आता है, उनको छोटी हाइट से मसला होता है, उनको रंग से मसला होता है, उनको अपने पेरेंट्स से मसला होता है, इवन के बस नहीं चलता वरना वो अपने पेरेंट्स चेंज कर लें। जो चेंज करने वाली तब्दील करने वाली चीज होती है वो अपनी जात होती है, अपनी रूह होती है, अपना आप होता है। जब तक आप उसको तब्दील नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। नंबर टू बेटा, जिंदगी में आपने हमेशा 100% देना है। जिंदगी में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी का 100% दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी एग्जाम्पल शाहिद अफरीदी से देता हूँ कि अगर वो एक दो क्रिकेट मैच खेलता और उसके बाद वो जल्दी आउट हो जाता है और वो ये सोचता कि मैं अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता, वो म्यूजिक शुरू कर देता, वो गाना शुरू कर देता या कोई और काम शुरू कर देता, तो आज शायद वो शाहिद अफरीदी ना होता। अगर दुनिया में आरफा करीम जो है अगर उसका नाम हुआ है तो उसका उसकी मेहनत से हुआ है। तो आप जिंदगी में जब तक 100% नहीं देंगे आपके रास्ते में रुकावटें भी आएंगी, लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे, रातें भी जागना पड़ेगी, लेकिन अगर आपका गोल डिफाइंड होगा एक दिन ऐसा जरूर आएगा क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं और हम किसी की मेहनत का सिला जाया नहीं करते, तो आपकी जो मेहनत का सिला है वो आपको लास्ट में मिलकर रहेगा, वो कभी जाया नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट दो तीन छोटे छोटे गेम्स हैं। पहली है म्यूजिकल चेयर,